नमस्कार, मैं हूं पीके साहू। मेरे YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। साथ ही इस वीडियो में हम शिक्षक भर्ती संबंधी कुछ जानकारी और कुछ चीज़ें ऐसे चीज़ रखने वाले आपके सामने जो होने वाला है। साथियों, ये बैनर आप देख रहे होंगे, बहुत सारा बैनर है। ये बैनर आप जाने पहचाने होंगे आपका, क्योंकि ये बैनर जो है साथियों कल यानी कि 23 तारीख को ट्विटर वार इतनी ज़ोरदार ट्विटर चला है कि मीडिया में भी ये छा चुका है, नियुक्ति और महाआंदोलन। क्योंकि साथियों आप देख रहे होंगे कि लगातार दो से अधिक मतलब ढाई वर्ष से अधिक हो गया, किसी को भी ढंग से नियुक्ति नहीं मिल पा रही। व्याख्याता का नियुक्ति देने की प्रयास किया गया, कुछ लोगों को नियुक्ति हो पाया है, अभी सेकंड लिस्ट भी जारी नहीं किया है। सेकंड लेटिंग जो वेटिंग में है उनके लिए भी अभी तक की कोई भी लिस्ट जारी नहीं किया है। उसके बाद जब शिक्षक और सहायक शिक्षक की बारी आती है तो शिक्षक का प्रथम वेरिफिकेशन करा के छोड़ दिया जाता है, सहायक शिक्षक का भी प्रथम वेरिफिकेशन करा के छोड़ दिया जाता है और ये कहा जाता है कि स्कूल अभी बंद है, आपको नियुक्ति इसको खुलने के बाद दिया जाएगा। मैं शासन और प्रशासन से ये पूछना चाहता हूँ, आप कैसे कह सकते कि स्कूल बंद है? कौन से स्कूल बंद है, कौन से स्कूल कार्य नहीं चल रहा है? सभी स्कूल चालू है, सुचारू रूप से शिक्षकों के माध्यम से चलाया जा रहा है, परीक्षाएं भी हो रही है, बिना परीक्षाएं के नतीजा भी आ रही, बहुत अच्छे नतीजे आ रहे हैं, ऑनलाइन पढ़ाई किया जा रहा है। साथ ही साथ ऐसे बहुत सारे चीज़ें हैं जो धीरे धीरे किया जा रहा है, लेकिन जब नियुक्ति की बारी आती है, शिक्षक की नियुक्ति की बारी आती है तो आप जो है ये कहते हैं कि अभी तो कोरोना चल रहा है, कोरोना काल में सारी चीज़ें चल रही है, सबको बधाइयाँ दे रहे हो, संविदा नियुक्ति हो रही है। क्या अंग्रेजी मीडियम में शिक्षकों की नियुक्ति नहीं की जा रही है? क्या अंग्रेजी माध्यम में बच्चों का एडमिशन जारी नहीं है? है, ठीक उसी प्रकार से हिंदी मीडियम में भी होना चाहिए। लगातार चयनित अभ्यर्थियों के माध्यम से शासन को मांग किया जा रहा है, नियुक्ति की मांग किया जा रहा है, शासन प्रशासन से गुहार किया जा रहा है, लेकिन अब भी उनके तरफ से कोई भी जवाब नहीं आ रहा है। मीडिया में भी बार बार ये बातें किया जा रहा है, समर्थन मिल रहा है। यदि इस प्रकार से नहीं हो रहा है तो डीएड बैंक संघ के माध्यम से 8 जून को महाआंदोलन होने वाला है। जिस प्रकार से ट्विटर में आंदोलन हुआ है, ठीक उसी प्रकार से बहुत ही तरीके से इस प्रकार से आंदोलन होने वाले है कि सरकार हिलने वाली है। साथियों, महाआंदोलन 8 जून, हम ये कहना चाहता हूँ जिस प्रकार से ये मीडिया में भी आ रहा है, कहीं ना कहीं सरकार के पास जरूर पहुँच रही है, लेकिन निर्णय अभी तक उनके पास नहीं पहुँच पाए, कोई भी निर्णय नहीं दे पा रहे हैं। आप देख रहे होंगे कि चयनित अभ्यर्थियों के शीघ्र हो नियुक्ति बार सभी जगह जितने भी MLA है, संसदीय सचिव है, सबके पास ज्ञापन सौंपा जा रहा है, सबके पास पहुंचाया जा रहा है, लेकिन कोई भी बेरोजगारों के साथ न्याय नहीं कर पा रहे, कोई भी जवाब नहीं दे पा रहे, मुख्यमंत्री तक न पहुंचा पा रहे हैं, न ही कोई भी निर्णय ले पा रहे हैं। आवेदन निवेदन लगातार जारी है। और दूसरी तरफ हम देखते हैं तो शिक्षक संघ के द्वारा जब आंदोलन किया जाता है तो उसके मांगे बात कर लिया जाती है, तो क्या बेरोजगारों की बातों को नहीं सुना जाएगा? अभी हाल में भी पता चला है कि इस कोरोना काल में स्कूल बंद होने के बावजूद भी संविदा क्या बोल सकते हैं कि अनुकंपा नियुक्ति दी जा रही है, पता चला है और उसका लेटर भी पहुंचा हुआ है। जब कोरोना काल में स्कूल बंद है तो उसको नियुक्ति मिल सकती है, सहायक शिक्षक में नियुक्ति मिल सकती है, तो क्या एक बेरोजगार को जो एग्ज़ाम दिलाए हैं, ढाई वर्ष से इंतज़ार कर रहे, उसको न्याय नहीं मिलेगा? क्या ये बेरोजगारों के साथ छल नहीं है? मैं शासन प्रशासन से सभी चयनित अभ्यर्थियों के माध्यम से मेरे YouTube चैनल के माध्यम से ये पूछने का प्रयास कर रहा हूँ, क्या ये न्याय है? एक ऐसा न्याय है कि एक तरफ आप जो है अनुकंपा नियुक्ति के सारी चीज़ें बंद होने के बाद भी फटाफट उनका कार्य किया जा रहा है, करो, उसमें हम उसके खिलाफ नहीं हैं, यदि उनका हो रहा है तो हमारा भी होना चाहिए, ये हमारा कहना है। साथियों, यदि आपको लगता है कि इस प्रकार से भेदभाव हो रहा है तो इस आंदोलन को और बहुत बड़े महाआंदोलन में आपको परिवर्तित करना होगा,
और इस प्रकार से आप घर में बैठे रहे, जैसे मैंने देखा तो बहुत लोगों को ट्यूटर चलाने नहीं आता। धिक्कार है ऐसे शिक्षकों को जो एंड्रॉइड फ़ोन पकड़ करके ट्यूटर में एक पोस्ट नहीं कर सकता, रीट्वीट नहीं कर सकता। तो आज के टेक्नोलॉजी में क्या आप संभाल पाएंगे, क्या ऑनलाइन क्लास ले पाएंगे आप? घर में बैठकर केवल आप जो है व्हाट्सएप का, व्हाट्सएप में, फेसबुक में केवल पोस्ट पढ़ने के लिए मोबाइल लेकर रखे हैं आप लोग, बस दिक्कत होती है। 5 से 10 हज़ार लोग अभी एक साथ ट्वीट करोगे तो क्या क्या तहलका मच सकते, आप समझ सकते हो। चलो ट्वीट ना करो, रीट्वीट कर सकते हो, चलो छोड़िए साथियों। लेकिन अभी आप देख रहे होंगे कि रीट्वीट और ट्वीट का कोई असर नहीं हो रहा है। अब जमीनी स्तर पर लड़ाई लड़ने के लिए डेढ़ वर्ष संघ जो है तत्पर है। सभी का आह्वान किया जा रहा है कि सभी तैयार रहे। मैं YouTube के माध्यम से आपसे बताना चाहूँगा कि जितने भी चयनित अभ्यर्थी, आप सभी को डेढ़ वर्ष संघ के अध्यक्ष महोदय, सचिव महोदय और उनके माध्यम से आप सबका आह्वान किया जा रहा है कि 7 तारीख तक, 7 जून तक कोई भी अपडेट नहीं आती है तो 8 जून को महाआंदोलन के लिए तैयार रहे। ये उनकी सूचना है जो मुझे आप तक पहुंचाना था, जो कि मैंने पहुंचा दिया है। यदि आपको अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर अवश्य करें। धन्यवाद। बताओ भाई कितना मत नीचे किए, बताओ भाई। तो जी आओ ना यार, भैया बोले तो भैया भैया मत बोलो, बोलता है क्या हो गया भैया? अभी हम एक मिनट बस थोड़ा किसी को लगा दो ना। अरे यार कोई एक जने ने इनके साथ चले जाओ ना, भैया के साथ कागज दे रहे हैं, लिखवा दो। कितने लोग आए हैं सर? फेसबुक लाइव भी कैसे बंद करो।